जिंदा रहना ही खुशनसीबी है। अनन्या अपनी ड्राइंग में मग्न थी और संजय अभी ऑफिस में था, इसलिए अर्पिता ने अनन्या को अपने साथ नहीं लाई और ऑफिस से निकलकर गीतांजलि के पीछे पीछे जाने लगी। मिस अर्पिता, आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। आपको इतने करीब से देखने पर मुझे जलन होने लगी है। गीतांजलि अर्पिता से मजाक करते हुए कॉरिडोर की ओर जाने लगी। उसके इस तरह बात करने से कोई भी उस पर भरोसा कर लेता। अर्पिता गीतांजलि की बात सुनकर थोड़ी हैरान थी। चौंक कर वो अपने चेहरे को छूने लगी, जिसके बाद वो हंसते हुए कहने लगी, मैनेजर गीतांजलि, आप मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रही हैं। आप भी तो कितनी खूबसूरत हो। मैंने तो ये भी सुना है कि आप मित्तल कॉर्पोरेशन की बेस्ट मार्केटिंग मैनेजर हो और मिस्टर संजय ने आपको पर्सनली बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किया था। अर्पिता की ये बातें सच थी, ना कि वो उसे चने के झाड़ पर चढ़ा रही थी। उसे हमेशा लगता था कि बिजनेस इंडस्ट्री में औरतों को हमेशा लाइटली लिया जाता है, पर उन्हें कोई बड़ा काम नहीं सौंपा जाता। हालांकि गीतांजलि को देखकर उसके सारे डाउट क्लियर हो गए। गीतांजलि एक शांत और सुंदर लड़की थी और तो और वो हमेशा खुद पर कॉन्फिडेंस रखती थी। यही नहीं बल्कि अपने काम में भी वो टॉप पोजीशन रखती थी। अगर वो शर्मा फैमिली के बैकग्राउंड से भी नहीं आती तो गीतांजलि के पास इतनी काबिलियत थी कि वो 100 मर्दों के कंपैरिजन में अच्छा काम कर सकती थी। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर संजय ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ। ऐसा बस इसलिए है कि हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं और उन्हें मुझ पर भरोसा है और इसलिए वो मुझे यहाँ टफ काम करने के लिए लाए हैं। गीतांजलि मुस्कुराते हुए कहने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने खूबसूरत बचपन की यादें ताजा कर रही हो, जिसके बाद वो अर्पिता की ओर देखने लगी। और हाँ, मैंने सुना है कि नर्स होना भी बहुत मुश्किल काम है। आपके पास इतने सारे जॉब ऑप्शन थे और आप तो खूबसूरत भी हैं, तो फिर आपने क्यों नर्सिंग को चुना? अर्पिता थोड़ी घबरा गई। प्रिया का गंभीर चेहरा उसके आंखों के सामने आ गया। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। हाँ, जरूर तुम काम पर जा सकती हो, लेकिन तुम में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि तुम खुद का ख्याल रख सको। प्रिया की इस बात को पूरी करने के लिए अर्पिता ने अपना काफी समय नर्सिंग के बारे में जानने के लिए लगा दिया, जिसके बाद जाहिर था कि उसने अपनी पढ़ाई भी नर्सिंग में ही चुनी। नर्स होना अच्छी बात है। जब मैं अपने पेशेंट को ठीक होता हुआ देखती हूँ तो मुझे अलग ही सुकून मिलता है। अर्पिता अपने ख्यालों से बाहर आई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, और अगर वो पेशेंट ठीक ही ना हो तो? गीतांजलि चलते चलते रुक गई। हर कोई तो लकी